हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो गूगल शीट की है और छोटी सी वीडियो में क्या सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी, ठीक है, और यहाँ टीडीएस है और फिर टीडीएस अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे टीडीएस अमाउंट कैलकुलेट कैसे करना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सैलरी अलग अलग हो सकती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन यहाँ कैसे बनेगा, ड्रॉप डाउन यहाँ बनाने का तरीका है, आप डेटा टाइप पे चले जाइए। डेटा टाइप पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाना, ये डेटा वैलिडेशन आ गए। अब यहां से ये टेक्स्ट दिया हुआ, इसे लिस्ट ऑफ आइटम कर दीजिएगा और यहाँ पे लाइन से अब आप सैलरी कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते जाइए। जैसे ये हो गया, यहाँ पे 70,000 कर देते हैं, यहाँ पे 17,000 कर देते हैं, यहाँ पे 21,000 कर देते हैं। तो जो भी सैलरी आपको देनी हो वो यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते जाइए। अगर रिजेक्ट इनपुट कर देंगे तो यहाँ पे रिजेक्ट इनपुट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कर दिया हमने और इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैलरी अलग अलग तरीके से आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे टीडीएस हमें देना है, तो यहाँ पे वापस से चलते हैं डेटा टैब पर और डेटा टैब पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ रेंज ही रहने देंगे। यहाँ पे ये देखिए लिस्ट ऑफ रेंज दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ आइटम करना है, रेंज नहीं रखना, आइटम करना। तो यहाँ पे 10% ये कर दिया, 10% कॉमा दिया, यहाँ पे करेंगे 12% कॉमा देंगे, यहाँ पे करेंगे 20%। तो यहाँ अलग अलग टीडीएस अमाउंट भी मैंने दे दिया, रिजेक्ट इनपुट करके सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टीडीएस अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर सैलरी 70,000 है, ठीक है, तो टीडीएस कितना कटेगा, 12%, ठीक है। तो यहाँ देखिए इज इक्वल टू इफ, इफ का फॉर्मूला लगा दिया हमने और यहाँ पे कहा इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 70,000 के, ठीक है। तो यहाँ पे 70,000 कर दिया कॉमा, ऐसे में कितना परसेंट टीडीएस कट जाए, 12% कर देते हैं, 12% कर दिया मैंने, ठीक है। और ऐसा ना हो तो कितना परसेंट कटे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर दिया हमने 10%। तो यहाँ पे देखिए टीडीएस अमाउंट अपने आप आएगा, ठीक है, आपको कहने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अपने आप आता चला जाएगा। समझ रहे बात को, ये देखिए एंटर किया तो ये देखिए 12% अपने आप आ गया। समझ रहे बात को, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा आसानी से। तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम इससे इतना तो क्लियर ही हो गया होगा कि ड्रॉप डाउन अगर आपको बनानी है तो किस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।